बस नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मुयाल। यूपी सरकार प्रसूता महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति कितना सचेत रहती है, यह केवल इस बात से ही समझ आता है कि गर्भावस्था में महिलाओं को सरकार मुफ्त दवा, टीकाकरण, जांच आदि समय समय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नजदीकी जिला अस्पताल आदि के माध्यम से प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित प्रसव कराने के लिए समय समय पर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया करती है। पर उससे ही कुछ अलग अस्पताल प्रशासन के नर्स व डॉक्टरों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रसूताओं व उनके तीमारदारों से अवैध धन की वसूली की बात सामने आई है। आपको बता दें, ताजा मामला जनपद बहराइच के थाना विश्वेश्वरगंज अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नर्स की लापरवाही से सुरक्षित प्रसव के बाद हुए बच्चे की मौत में देखने को मिला है, जहां ड्यूटी पर तैनात नर्स व उनके सहयोगी की लापरवाही से सुरक्षित प्रसव हो जाने के बाद नवजात बच्चे की मौत हो गई, जिसके संबंध में आज थाना विश्वेश्वरगंज में धर्मपाल सिंह के द्वारा एएनएम अंजू सिंह व सहयोगी रामा सिंह के खिलाफ थाने में तहरीर दी है कि मेरे भाई रहन सिंह की पत्नी पूनम सिंह को प्रसव पीड़ा होने पर शाम करीब 3:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्वेश्वरगंज पहुंचाया तथा 4:40 पर प्रसव के बाद स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ। इस दौरान तैनात स्वास्थ्य कर्मी एएनएम अंजू सिंह व सहयोगी रामा सिंह ने पैसे की मांग की। पैसा न दिए जाने पर गुस्से में आकर बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया, जिससे कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई। कई बजे पहुंचो हॉस्पिटल बच्चा पैदा कराओ? 3:30 बजे। फिर भी अंजू मैम और एक स्टाफ और एक दाई, तीन लोग रहे, फिर भी बच्चा पैदा तो आप कहां मिलेंगे? कराया और उस पर 400 रुपया लिया। किसने मांगा 400? अंजू मैम ने, और 200 रुपया दाई लिया। और फिर बच्चा का ठीक से इलाज नहीं किया, बच्चा मेरा मर गया। आप क्या चाहती हैं? आप कार्रवाई चाहते हैं? कोई डॉक्टर था? कोई डॉक्टर नहीं? कोई डॉक्टर नहीं था। आपको बता दें कि अस्पताल में यह कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से अस्पताल पोर्च के फर्श पर प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया था, तब भी अस्पताल कर्मचारियों के ऊपर बच्चे के मौत को लेकर आरोप लगे थे, जिससे अस्पताल के नर्स के ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। इसके बाद भी अस्पताल प्रशासन अपनी गलतियों से बाज नहीं आ रहा है। एम्बुलेंस वाले बात की, इनकी कानों के घर पर लेकर चले और हमारे गांव तक 10-13 गाड़ी चली जाती है। एम्बुलेंस वाले बोले कि हम पुरैना से आगे नहीं आएंगे और वहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी और वहां पे नहीं लेके गए। और उसके बाद में कानों के जब हम उनके चिदौली के हमके दादा भाई चले आओ, चले आओ, बहुत इमरजेंसी किया था है, उन्होंने बोला कि मोटरसाइकिल से चले आओ, आना है तो आओ, ना आना तो हम भी वहीं से वापस चले जाएँ और वहाँ पर हम नहीं आ पाएंगे। अतल एम्बुलेंस वाले 3 बार मैंने फ़ोन लगा के उनकी चिदौली किया, हाथ पाँव तक जोड़ा, लेकिन उन्होंने बेको बात हमारी सुना नहीं है। फिर दोबारा भी फोन किए? हाँ, दोबारा फोन फिर किए, दोबारा ना तिबार 3 बार फोन किए इनके पास। और उसके बाद में उनसे चिदौड़ी किया कि भैया कानों पर बहुत इमरजेंसी किया से चले आइए, इसको लेके चलिए, कौन में से बचाओ ले बच्चा कहीं। लेकिन उन्होंने कहा पुरैना से आगे हम नहीं आएंगे, मनोज जमुनपुर तक जाएंगे ज्यादा। कौन था एम्बुलेंस पर? नाम उसका मैं नहीं जानता। 102 गई थी, 102 नंबर गई थी, यहाँ पे अभी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ लेके गए मोटे मोटे, हम उन्हें लेके गया। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ समाचार इंडिया पर, खबर से लेकर असर तक।